दोस्तों होंडा की एक्टिवा ईवी, वैसे तो इस गाड़ी का वेट काफी लोग कर रहे हैं कि भाई इस नाम से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो गारंटी है कि सक्सेस होगी, क्योंकि आईसी इंजन में एक्टिवा का नाम सबसे ऊपर आता है और स्कूटर कैटेगरी में इससे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कोई भी नहीं है। जितने भी जनरेशन आए एक्टिवा के सारे धड़ल्ले से बिके और आज भी नंबर वन स्कूटर है आईसी इंजन में और एक्टिवा के जनरेशन भी काफी ज्यादा आ चुके हैं। लेकिन इनका रोड मैप क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, क्योंकि कुछ समय पहले भी इनका एक रोड मैप आया था कि ऐसे ऐसे करके ये गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिस कारण वर्ष होंडा कंपनी ने चीजों को थोड़ा पोस्टपोन किया। लोगों का सवाल ये भी था, जब बजाज कंपनी अपनी गाड़ी लॉन्च कर रही थी, जब हीरो कंपनी अपनी गाड़ी लॉन्च कर रही थी, लोगों का सवाल ये था कि होंडा कब अपनी गाड़ी लेकर आएगा। वेल फाइनली इसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट आया है जिसको मैं आज यहाँ पे इलेबोरेट करने वाला हूँ। सबसे पहले इनका रोड मैप क्या है। रोड मैप ये है कि 2025 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की। प्रोबेबली है कि वो एक्टिवा नाम से ही होगा, प्रोबेबली है क्योंकि इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। सेकेंडली यहाँ पे जो गाड़ी आनी चाहिए थी ईवी वो काफी पहले आ जानी चाहिए थी, बट ये डिले क्यों हुआ, क्योंकि जो प्लान आउट था, जो रोड मैप था वो कोविड से पहले का था और जब वो रोड मैप उन्होंने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंगली अभी तक ईवी आ जानी चाहिए थी होंडा की तरफ से। लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद सारे जो प्लान आउट थे उसको स्टॉप कर दिया गया और चीजों को और आगे पोस्टपोन कर दिया गया और इतना ज्यादा पोस्टपोन कर दिया कि अभी के टाइम में दूसरी कंपनियों ने तो गाड़ियां ले आए लेकिन होंडा कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेकर आया। बट अब ये ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि होंडा कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाला है इंडिया में और 2025 तक आपको होंडा की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाएगी। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ऑटो कार का रिसेंटली एक आर्टिकल है और साथ में रशियन का भी आर्टिकल है, बकायदा मेंशन है कि उनको रिपोर्ट हुआ है कि होंडा कंपनी दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ले रहा है, एक गुजरात में ले रहा है और एक कर्नाटका में ले रहा है और उसमें जितने बेल्ट है मैन्युफैक्चरिंग के उसमें से एक बेल्ट डेडिकेट किया जा रहा है ईवी के लिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चर्ड हो गए, टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली वहां पे। तो यहां पे जो गाड़ी आएगी, इसलिए लोग बोल रहे कि पॉसिबिलिटी है कि एक्टिवा ईवी आएगी। होंडा कंपनी का काफी समय से ये प्लान भी था कि 2025 में इंडिया में एशिया में एक गाड़ी वो इलेक्ट्रिक लेकर आएंगे और ये चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ये न्यूज आती है कि दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एक्वायर कर रहे हैं जिसमें से एक वो ईवी के लिए पूरा का पूरा नहीं सिंगल बेल्ट ईवी के लिए वो डेडिकेट कर रहे हैं, जहां पे आने वाले ईवी टू व्हीलर्स होंडा की तरफ से बनने वाले हैं। अब चीजें कुछ कुछ सॉर्टेड देखने को मिल रही है, यानी कि होंडा अब आएगा तो काफी ताबड़तोड़ चीजें लेकर आया, क्योंकि होंडा अगर एक्टिवा के साथ आता है ऑब्वियसली बात है एक्टिवा की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि अगर वो इलेक्ट्रिक में भी आती है उसका डिजाइन कुछ भी हो अगर एक्टिवा नाम से आती है तो वो सक्सेस होना तय है। और ऐसे में जितनी भी कंपनियां हैं उसके कॉम्पिटिशन में, चाहे वो हीरो हो, चाहे बजाज हो, एथर हो, ओला हो, उन सबको साइड कर देगा और ये डायरेक्ट राइवल्स होंगे होंडा एक्टिवा ईवी के। सो लेट्स सी आगे और क्या देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो वेट कर रहे लोग वो होंडा की एक्टिवा ईवी का ही कर रहे हैं। तो आज के ईवी अपडेट में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।